नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते जोशीमठ के रास्तों में पानी भर गया है, जिसके चलते आम लोगों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से नगर पालिका के कामों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। नालियों के चोक होने से रास्तों में जगह जगह गंदा पानी जमा हो रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते हाईवे अभी भी बंद है, जिससे लोगों को रेस्क्यू करने में भी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि खबर चमोली से है, जहां पर लगातार बारिश लोगों की मुसीबत बना हुआ है। नगर पालिका के कामों की भी पोल खुलती नजर आ रही है, जहां नालियों के चोक होने से रास्तों में जगह जगह गंदा पानी जमा हो रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते हाईवे भी अभी बंद है, जिससे लोगों को रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आ रही है। चमोली में पिछले दो सालों से तीर्थ पुरोहितों के हक्कूधारियों का सरकार के साथ तनातनी का मामला चल रहा है। यह एक तनातनी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों के हक्कूधारी पिछले दो सालों से धरने पर बैठकर सरकार के देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलनरत हैं। अब उनके इस विरोध आंदोलन के लिए साधु संतों, आम नागरिकों और राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। चमोली जिले में दो दिवसीय भ्रमण पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोशीमठ में एक आम सभा के दौरान कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनते ही विधानसभा सत्र में तीर्थ पुरोहितों और हक्कूधारियों के मंशानुरूप देवस्थानम बोर्ड को शीघ्र ही भंग कर दिया जाएगा। बताते चले कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हक्कूधारियों का कहना है कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके सनातन धर्म व पौराणिक काल से मंदिरों की चली आ रही प्रथाओं के खिलाफ यह काला कानून बनाकर उनके ऊपर थोपा है, जिसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो खबर चमोली से है, जहां तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में लोग आए हैं, तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में कांग्रेस भी उतरी है। आपको बताते चले कि चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हक्कूधारियों का कहना है कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके सनातन धर्म व पौराणिक काल से मंदिरों में चली आ रही प्रथाओं के खिलाफ यह काला कानून बनाकर उनके ऊपर थोपा है, जिसे वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने मिशन 2022 की रणनीति बना ली है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। भाजपा ने सभी 70 विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने सांगठनिक कार्यों और अधिक गति देने के साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से भाजपा के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं के विधानसभाओं का प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां हर विधानसभा पर प्रभारी मौजूद है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने सांगठनिक कार्यों और अधिक गति देने के साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का प्रभारी बनाया है। देहरादून में बारिश से हाल बेहाल है। देहरादून के कई स्थानों पर जलभराव होने से कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। लगातार एसडीआरएफ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में कई जगह भारी बारिश के कारण नदी नालों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। मौसम विभाग के पूर्व के दिशा निर्देश के तहत एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है और अलर्ट टीमें तुरंत रेस्क्यू हेतु मौके पर डटी हैं। देहरादून के आईटी पार्क में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बिल्डिंग में बारिश का पानी आने के कारण 10 से 12 लोग फंस गए थे, जहां एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बिल्डिंग से बाहर निकाला। आपको बता दें कि देहरादून में एसडीआरएफ ने 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करा है, जहां पर बारिश का पानी एक बिल्डिंग में घुस जाने के कारण तकरीबन 10 से 12 लोग वहां पे फंस गए हैं। मौसम विभाग के पूर्व के दिशा निर्देश के तहत एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है, जहां अलर्ट टीमें तुरंत रेस्क्यू हेतु मौके पर डटी हैं।
देहरादून के आईटी पार्क में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बिल्डिंग में बारिश का पानी आने से कारण 10-12 लोग फंस गए थे, जहां एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बिल्डिंग से बाहर निकाला है। पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगंडे ने अध्यक्षता में बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को बढ़ावा देना है। डीएम ने वहां उपस्थित बालिकाओं को सही पोषण आधार सहित आत्मरक्षा प्रशिक्षण का विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालिका हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे ज्यादा अनुभव प्राप्त हो सके। डीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सही पोषण का उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर भी मजबूत बन सकेगा। ये आई है इससे नैनीताल वाली कुमाऊं मंडल की। कुमाऊं मंडल में डेंगू ने अपने पैर पसार दिए हैं। पहला मामला अल्मोड़ा से आया है। फिलहाल डेंगू का मरीज हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डेंगू का मामला आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है और अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि सुशीला तिवारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाया जा चुका है। जिलाधिकारी धीराज गर्तवाल ने मुताबिक जिले के हर सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल की एक टीम को डेंगू के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। जहां जहां जलभराव वाले स्थानों को देखा जाएगा और उन जगहों में दवा का छिड़काव भी किया जाएगा। हमारे वहाँ पे तो वहाँ पे एक लार्ज स्केल पर हम लोग अब अभियान चला रहे हैं, क्यों गौजा जाली में ही नहीं और उसके पूरे जिले में जिन जिन क्षेत्रों में आशंका रहती है कि जलभराव की स्थिति आएगी, और खासकर ये प्लेन्स के एरियाज में रामनगर हो, कालाडुंगी हो, हमारा लाल कुआँ हो और हल्द्वानी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर सोर्स रिडक्शन पर हम लोग काम करेंगे। और ये एहतियात के तौर पर आज हमारी टीम भी चली गई होगी मेडिकल की। अब नगर निगम के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी हैं। चमोली के हरमनी मल्ली गांव में चारों ओर खुशहाली के लिए पांडवों की मन्नत पूरी होने की ग्रामवासियों ने पांडवों का आह्वान कर पांडव और देवी देवताओं को पूजन का आयोजन किया जाता है। वहीं 7वें दिन हरमनी मल्ली में गौंडा कौथिक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में पांडु के श्राद्ध के लिए अर्जुन द्वारा गैंडा वध का शानदार नजारा देखने के साथ ही भेंट पूजा अर्चना कर पांडवों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप भी हमारी ग्राम पंचायत हरमनी मल्ली में पधार चुके हैं, जिसमें कि हमारे समस्त ग्राम पंचायत द्वारा यह मन्नत मांगी गई थी कि हमारे ग्राम पंचायत में कोरोना काल में कोई भी निगेटिव केस ना आए, जिसमें कि अगर हमारा ग्राम पंचायत खुशी खुशहाल रहेगा तो हम इसके बाद क्या है कि अपने पांडव लीला का महायज्ञ प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि समस्त ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मैं अपनी ग्राम पंचायत का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने पांडव लीला में 50 घंटे ऐसे बना दिए हैं। खैर, हम अपने कला का वो तो नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कहे कलाकार हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर कोशिश की है बलदार से, और इसमें जितने कद्दू लगे हैं कम से कम 6-7 कद्दू लगे हैं, और लकड़ी लगी है, तागा लगा है, मिट्टी लगी है तथा इसमें बाबला लगा है, और उसके बाद इसमें फिर पेंट और कलर अलग अलग पड़े हैं। आगामी 4 सितंबर को खटीमा से होने वाली परिवर्तन रैली में सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से जुट गया है। इसी के चलते नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पहुंचे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से रैली में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकारी रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि रैली के जरिए भाजपा को जवाब देना है, वही जनता के बीच कांग्रेस का बेहतर माहौल है। खबर लालकुआ से है, जहां परिवर्तन रैली के लिए बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पहुंचे प्रदेश कार्यकर्ता अध्यक्ष रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से रैली में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकारी रंजीत रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि रैली के जरिए भाजपा को जवाब देना है, वही जनता के बीच कांग्रेस का बेहतर माहौल है। मजबूत विचारधारा है, वो चाहे किसी के अंदर हो, वो हम एक साथ जुट कर। लालकुआ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने बिंदुखत्ता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका भव्य व जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हर घर नल से जल योजना की जानकारी ली। इस दौरान उनके समर्थकों एवं क्षेत्रवासियों ने उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना का लाभ बिंदुखत्ता की जनता को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी इस क्षेत्र को वन भूमि बताकर योजना का लाभ नहीं दिए जाने की बात कर रहे हैं। जिस पर प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कहा कि वह पूरे मामले पर क्षेत्र के शिष्टमंडल के खिलाफ 7 दिल्ली जाकर केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात करेंगे और उनसे प्रदेश सरकार को प्रत्याचार करने का काम करेंगे। अध्यक्ष यशपाल आर्य जी का बिंदुखत्ता के अंदर स्वागत है। जो भी ये यहाँ पे नई बीड़ा उठाया, अच्छी बात है। और हमारे केंद्रीय मंत्री जी जो हैं रामदास अठावले जी हैं, जो कि हमारा विभाग ही उनके पास है हमारे साहब, तो इस चीज़ को आता हमें माननीय है। और हम प्रधान जी का आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। बिंदुखत्ता इससे पहले आता बिंदु खेड़ा हुआ करता था, जो कि आते हमें जो है यहाँ के लोग जो है हम करीबन 70-80 साल हम लोगों को हो गए। उसके बाद जो है बिंदुखत्ता 78-79 से फिर जो आज का जो बिंदुखत्ता है, तो पुराने लोग हैं और उसमें दलित समाज के लोग जाते हैं। आज हमारा क्षेत्रीय भ्रमण था लालकुआ विधानसभा के अंदर। बिंदुखत्ता एक क्षेत्र है हमारा, लगभग 60,000 जनसंख्या वाला ये क्षेत्र है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ के जल जीवन मिशन के अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर को नल पहुँचे, हर घर को जल पहुँचे। प्रधानमंत्री जी के इस योजना को यहाँ पर साकार न देखते हुए बड़ा दुख हुआ। मैं अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले उत्तराखंड की तरफ से एक प्रेस में बयान देना चाहता हूँ कि मैं माननीय रामदास अठावले जी के साथ इस बारे में बैठक करेंगे, हमारा पूरा शिष्टमंडल उतरा। विधानसभा पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के कलियर विधानसभा में भारी उम्मीदवार इंजीनियर शादाब आलम ने बताया कि कलियर विधानसभा में विकास कार्य उनकी प्राथमिकता में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी। वहीं इंजीनियर शादाब आलम ने विधानसभा पिरान कलियर के गांव दर गांव जाकर लोगों को शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं पर भरोसा दिलाकर आम लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। खबर कलियर से है, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव प्रसार में जुटी हुई है, जहां चुनाव को लेकर आम आदमी तैयार है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आम आदमी पार्टी जगह जगह पर आयोजन कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी। वहीं इंजीनियर शादाब आलम ने विधानसभा पिरान कलियर में गांव दर गांव जाकर लोगों को शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और कई सुविधाओं पर भरोसा दिलाकर आम आदमी लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है।
विकास नगर पछवादून क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। नशे के कारोबारियों के हौसले बुलंद है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विकास नगर तहसील का घेराव करते हुए आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डिम्पल सिंह और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने SDM विकास नगर को ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विकास नगर शांति प्रिय क्षेत्र है, लेकिन कुछ समय से ये क्षेत्र नशा तस्करों के गिरफ्त में है, जिस कारण क्षेत्र में अशांति भंग हो रही है। नशे के कारण क्षेत्र में अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। युवक पीढ़ी नशे में गिरफ्त में आ चुकी है। महंगा नशा होने के कारण स्थानीय युवा चोरी करने की भी बाज नहीं आ रहा है। प्रशासन के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, परंतु उस कार्रवाई का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी पार्टी का यही प्रयास है कि युवा पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे क्षेत्र में नशा तस्करों की कमर टूट जाए और युवा नशे की गिरफ्त से बाहर आ जाए। देखिए, जिस तरह से हमारे क्षेत्र में नशे का व्यापार रात दिन बढ़ जाए और इसके प्रति शासन भी इतना उदासीन नजर आता है। कई बार क्या होता है कि शिकायतों के बाद एक कार्रवाई होती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। उसको पूर्ण रूप से उसको एक संघर्ष उसको जो करना चाहिए शासन को, प्रशासन को, वो नहीं हो पा रहा है। इतनी शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि नाबालिग है, मात्र 13 साल के, 14 साल के, वो नशे की गिरफ्त में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि नशे की आदत के कारण वो चोरी चकारी तक करने लगे। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार।